हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेंच आज हम लोग द पिज़ा गर्ल का चैप्टर थ्री पढ़ेंगे लॉन्ग मैन न्यू इमेज क्लास फोर का है ये द पिज़्ज़ा गर्ल हम लोग एक लड़की के बारे में पढ़ेंगे जो पिज़्ज़ा के अलावा और कोई भी चीज़ को पसंद नहीं करती है कि आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पिज़्ज़ा का क्रेविंग्स कैसा होता है अगर आप लोग पिज़्ज़ा खाते हैं और लाइक करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि इसका क्रेविंग जो होता है बहुत ज़्यादा होता है अगर बच्चों को इसका आदत लग जाता है तो फिर वो कोई और चीज़ को देखता भी नहीं तो पिज़्ज़ा लवर अगर आप हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना तो हम लोग पढ़ते हैं चंद्रिका एक लड़की है जो पिज़्ज़ा लवर है ठीक है उसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या ठीक है चंद्रिका लाइक टू हैव पिज़्ज़ा एनी टाइम ऑफ द डे चंद्रिका दिन के समय में दिन में कभी भी उसको पिज़्ज़ा दे दो उसको हमेशा पिज़्ज़ा पसंद होता है कभी भी वो लाइक करती है पिज़्ज़ा खाना कभी भी कोई भी टाइम सुबह दोपहर रात कभी भी शी प्रिफर्ड देम टू एनी अदर डिश उसको बाकी और कोई डिश से ज़्यादा वो प्रीफ़र करती है पिज़्ज़ा को कोई और डिश दे दो खाने को तो उसको पसंद नहीं आएगा उसको पिज़्ज़ा ही पसंद आएगा द एरोमा ऑफ पिज़्ज़ा एरोमा का मतलब होता है उसका खुशबू एरोमा ऑफ पिज़्ज़ा कुड वेक हर फ्रॉम हर स्लीप एंड दैट वॉज ऑल्सो समथिंग आर पेरेंट्स ऑफर्ड हर एज अ रिवॉर्ड फॉर एनी अकम्पलिशमेंट तो पिज़्ज़ा का जो खुशबू होता है था वो ऐसा होता है चंद्रिका के लिए कि जब चंद्रिका सोई हुई भी होती है तो उसका नींद खुल जाता है जब एरोमा आता है पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा के खुशबू से इसका नींद खुल जाता है इस लड़की का और उसके पेरेंट्स भी हैं जो कभी भी कुछ अचीवमेंट होता है कुछ लाइफ में इन्जॉय करने का जो मोमेंट होता है कुछ भी बर्थडे हो या फिर चंद्रिका कोई कंपटीशन जीती हो उसको सेलिब्रेट करना हो तो उस टाइम वो उनके पेरेंट्स भी उनको पिज़ा ऑफर करते हैं क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी को पिज़ा सबसे ज़्यादा पसंद है चंद्रिकाज़ पेरेंट्स थॉट शी माइट गेट टायर्ड ऑफ़ पिज़्ज़ा एज शी ग्रोज़ अप चंद्रिका के पेरेंट्स ऐसा सोचते थे कि शायद वो बड़ी हो रही है तो वो थक जाएगी पिज़ा खाते खाते पिज़्ज़ा का टेस्ट चला जाएगा उससे एंड वुड डेवलप टेस्ट फॉर समथिंग एल्स और उसको कोई और चीज़ पसंद आ जाएगा जब वो बड़ी हो जाएगी धीरे धीरे शी हैड टेस्टेड पिज़्ज़ा एट वन हर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टीज एट द एज ऑफ फोर तो चंद्रिका जो लड़की थी वो चार साल की जब थी तब वो अपने किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में पिज़्ज़ा को टेस्ट की थी फर्स्ट टाइम जब वो चार साल की थी चंद्रिका तब वो पहली बार पिज़्ज़ा टेस्ट की थी अपने कोई फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे एंड सिंस देन इट हैड रिमेन्ड हर फेवरेट और तब से मतलब चार साल की जब थी चंद्रिका तब से उसको तब से उसको जो पिज़्ज़ा है वो पसंद आया सो पसंद आया अभी तक उसको पसंद है एकदम और कोई फेवरेट नहीं बना उसका एज हर एट्थ बर्थडे वॉज कमिंग आठवां बर्थडे आने वाला था चंद्रिका का चंद्रिका का एट्थ बर्थडे आने वाला था चंद्रिका कॉल्ड आउट टू हर मदर एंड स्टार्टेड लिस्टिंग हर बर्थडे प्लान्स एंड हाउ शी वांटेड टू पार्टी टू बी और अपनी मदर को वो बोलती है अपनी मदर से बात करती और प्लानिंग करती है अपने बर्थडे का कि कैसे वो प्लान करना है उसको कैसे पार्टी करना है दे एग्रीड ऑन पिज़्ज़ा एज द फूड दे एग्रीड ऑन पिज़्ज़ा एज द फूड तो पार्टी में क्या होगा खाने के तौर पे ना पिज़्ज़ा होगा और कुछ हो ही नहीं सकता चंद्रिका का पार्टी है भाई तो फिर पिज़्ज़ा ही होगा क्योंकि चंद्रिका को पिज़ा ही पसंद है ओनली हर टेस्ट फॉर टॉपिंग्स हैड चेंज ओवर द ईयर्स हर साल जो चेंजेस आता है चंद्रिका के टेस्ट में वो सिर्फ टॉपिंग्स का आता है पिज़्ज़ा अगर आप खाए होंगे तो आपको पता होगा पिज़्ज़ा के ऊपर में टॉपिंग्स होता है अलग अलग फ्लेवर होता है तो वो फ्लेवर सिर्फ वो बदलती है पिज्जा तो रहता ही है सिर्फ उसका फ़्लेवर बदलेगा सिर्फ उसका टॉपिंग्स बदलेगा उसके ऊपर डालने वाला टॉपिंग्स चंद्रिकाज़ मदर नेवर फेल टू गाइड हर चंद्रिका की मदर कभी भी पीछे नहीं हटती है उसको गाइड करने में हमेशा चंद्रिका की मदर उसको गाइड करती है चंद्रिका को एंड शी ट्राइड मेनी वेज़ टू मेक हर चूज़ हेल्दियर ऑप्शंस और वो हमेशा कोशिश करती रही हैं ताकि चंद्रिका जो है कोई हेल्दी ऑप्शन चूज़ करे खाने के तौर पे डाइट के तौर पे खाना में कोई हेल्दी ऑप्शन चूज़ करे क्योंकि हम लोग जानते हैं पिज़्ज़ा जो है वो हेल्दी ऑप्शन नहीं है और हमेशा पिज़्ज़ा खाना ये हेल्दी नहीं है बॉडी के लिए बहुत अनहेल्दी फूड है ठीक है तो उसकी मदर को भी पता था लेकिन क्या करेगी उनकी बेटी चंद्रिका मानती नहीं थी तो चंद्रिका को वो समझाती थी कि कोई अदर हेल्दियर ऑप्शन वो चूज़ कर ले दे बोथ सेट एट द डाइनिंग टेबल मंचिंग कुकीज़ एंड चिप्स वो लोग दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं कुछ कुकीज़ और चिप्स खाते हुए बातें करते हैं एज मदर आस्ट हाउ हर डे वॉज और उसकी मदर ऐसे कुकीज़ और चिप्स खाते हुए उसको पूछती है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा चंद्रिका बोलती है चंद्रिका बिगेन टू एक्सप्लेन वाइल अगेन वाइल एंड अगेन वाइल्ड सॉरी चंद्रिका बिगेन टू एक्सप्लेन वाइल्ड मदर साइमल्टेनियसली गैदर्ड हर लंच बैग तो चंद्रिका जब बात करती है तो उस टाइम पे मदर जो है उसकी मम्मी जो है वो साथ ही साथ बात करते करते उसका लंच बैग भी चेक करती है और उसको उसके लंच बैग को खाली करती है एज़ चंद्रिकाज़ मदर शो द लेफ्ट ओवर भेजीज़ चंद्रिका की मदर को दिखता क्या है उसके बैग में कि वेजिटेबल्स जो उन्होंने पैक करके दिया था चंद्रिका को टिफिन में वो वो खाई ही नहीं है लेफ़्ट ओवर बचा हुआ है एंड फ्रूट और फ्रूट भी बचा हुआ इन द लंच बैग लंच बैग में शी बिगैन हर यूज़ यूज़ लेक्चर ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स तो मदर जो है अपना लेक्चर फिर से वही यूजुअल लेक्चर यूजुअल लेक्चर का मतलब जो हमेशा वो डेली बोलती है अपना लेक्चर देती है कि बेटी ए, सुनो ये फ्रूट और वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी है ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है इस तरह की हमारी मम्मी भी हमें सजेशंस देती रहती है हमें बोलती रहती हैं कि वेजिटेबल्स खाओ थोड़ा थोड़ा फ्रूट खाओ ये सब हेल्दियर ऑप्शनस हैं लेकिन हम लोग हैं कि बच्चे में जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग मानते ही नहीं हैं है ना आप लोग में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी मम्मी उनके पीछे पड़ी होती है कि खाना खा लो ये खा लो वेजिटेबल्स खा लो लेकिन वो कुछ और ही सोचते हैं कुछ और ही खाना चाहते हैं बच्चे है ना तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ शी एक्सप्लेन टू चंद्रिका द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ वेल बैलेंस डाइट और चंद्रिका को उसकी मम्मी इंपॉर्टेंस समझाती है किस चीज़ का इंपॉर्टेंस वेल बैलेंस डाइट वेल बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है जो खाना आप खा रहे हैं एक प्लेट में उसमें सारे फूड होने चाहिए सारे तरह के अलग अलग तरह के फ़ूड होना चाहिए कुछ प्रोटीन होना चाहिए कुछ में जिसमें विटामिन है वो होना चाहिए विटामिन ए वाला विटामिन डी वाला सारे फूड्स होना चाहिए जैसे मिल्क होना चाहिए एग होना चाहिए चपाती होना चाहिए राइस होना चाहिए वेजिटेबल्स होना चाहिए सैलड होना चाहिए इस तरह के बैलेंस डाइट होना चाहिए हमारा प्लेट खाने का प्लेट सिर्फ एक ही खाना हमको नहीं खाना है है ना तो इस खाने का इम्पोर्टेंस बताती है चंद्रिका को उसकी मदर गिविंग एक्सक्यूज टू गो आउट एंड प्ले चंद्रिका कट हर मदर शॉट एंड रन ऑफ टू जॉइन हर फ्रेंड तो कुछ बहाना करके चंद्रिका दौड़ करके अपनी मम्मी को वहाँ से निकल जाती है और निकल करके अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है खेलने के लिए पोस्ट डिनर डिनर के बाद चंद्रिका वॉच्ड हर फेवरेट कार्टून एंड वेन टू बेड सेंग गुड नाइट टू हर मदर एंड फ़ादर डिनर करने के बाद पोस्ट डिनर का मतलब डिनर करने के बाद चंद्रिका अपनी फेवरेट कार्टून और कार्टून देखती है और वेन टू बेड मतलब सोने चले जाती है मम्मी पापा को गुड नाइट कहते हुए चंद्रिका वो कप टू द स्मेल ऑफ चीज़ pizza चंद्रिका का नींद खुलता है चीज़ पिज़्ज़ा के स्मेल के साथ चीज़ पिज़्ज़ा ठीक है इस बार क्या है चीज़ पिज़्ज़ा शी कूडेंट वेट टू हैव अ बाइट ऑफ इट और वो इंतज़ार ही नहीं कर पा रही है एक बाइट लेने से मतलब एक बाइट उसको लेना ही है वो पूरा उतावला हो गई है खाने के लिए शी वडेड इफ हर मदर वॉज गोइंग टू ऑफर अ पिज़्ज़ा फॉर ब्रेकफास्ट एज इट वॉज अ बर्थडे दैट डे और वो दिन उसका बर्थडे था चंद्रिका का तो उसको लग रहा था कि मुझे बहुत खुशी होता अगर मम्मी मुझे ब्रेकफास्ट में ही पिज़्ज़ा दे देती है ना चंद्रिका रश टू तो द बाथरूम एंड लुक इन द मीनर चंद्रिका जो है दौड़ करके भागती हुई तेजी से बाथरूम में गई और शीशे में अपना चेहरा देखा शी वॉज स्टार्ट टू सी दैट हर फेस रिजम्बल्ट पिज़्ज़ा विथ चीज़ एंड टोमेटो टॉपिंग्स और जैसे ही वो अपना चेहरा मिरर में देखती है वो चकित हो जाती है वो घबरा जाती है वो चौंक जाती है और देखती है कि उसका चेहरा जो है वो पिज़ा की तरह बन गया है ओ माई गॉड पिज़ा विथ चीज़ एंड टोमेटो टॉपिंग्स और ऐसा पिज़्ज़ा की तरह उसका चेहरा बन गया जिसमें चीज़ और टोमेटो का टॉपिंग्स लगा हुआ है ठीक है तो सोचो कितना वो डर गई होगी है ना ओलिव एज़ आई उसमें ओलिव जो है उसका आँख जो है आँख के ऊपर ऑलिव्स आ गया है जूसनी एज नोज़ नोज जो है वो जूजनी का है लिप्स एंड ईयर्स मेडअप ऑफ बेल पेपर्स लिप्स और ईयर्स जो है वो बेल पेपर्स का बना हुआ है शी स्क्रीम्ड मामा आई हैव टर्न इन टू अ पिज़ा वो ज़ोर से चिल्लाती और चीखती है कि मम्मा मैं पिज़्ज़ा में बदल गई हूँ हेल्प मी मदद करो शी रैन फ्रॉम वन एंड टू अनदर इनसाइड द हाउस एंड देन रन आउट ऑफ द हाउस अमिट्स द व्हीकल्स शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग घर में वो दौड़ रही है इधर से उधर कि मेरा चेहरा जो है मेरा जो बॉडी है वो पिज़्ज़ा की तरह बन गया मेरा चेहरा पिज़्ज़ा हो गया है और वो घर के अंदर से बाहर निकल जाती है और व्हीकल्स अमिट्स मतलब बीच में व्हीकल्स गाड़ियों के बीच में रोड में वो दौड़ने लगती है चिल्लाती हुई चीखती हुई स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग सी स्टॉप डेटा बस स्टॉप स्ट्रेबलिंग और वो कांपते हुए एक बस स्टॉप पर रुकती है ट्रेवलिंग का मतलब कांपना अ डॉग बार्क एंड स्निफ्ट इन हर डायरेक्शन एक कुत्ता भोंकता है और उसके तरफ उसका जो पिज़्ज़ा का जो स्मेल है एरोमा है उसको लेते खींचते हुए सूंघते हुए उसके तरफ भागता है कुत्ता द डॉग jumped एंड ट्राई टू grab अ बाइट ऑफ पिज़्ज़ा कुत्ता जो है जंप करता है चंद्रिका के ऊपर में और वो चाहता है कि एक बाइट ले लें किसका पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा क्या है पिज़्ज़ा तो उसका चेहरा है चंद्रिका का चेहरा पिज़्ज़ा बन गया और पिज़्ज़ा का वो कुत्ता बाइट लेना चाह रहा था तो चंद्रिका बहुत डरी हुई थी और वो भागने लगी चंद्रिका विथ हर पिज़्ज़ा फेस ट्राई टू हश एंड शश द टॉक अवे चंद्रिका अपना पिज़्ज़ा फेस को लेकर के कोशिश करती है उस कुत्ते को भगाने का शांत करने का रियलाइजिंग दैट इट वॉज एंट हेल्पिंग और रियलाइज होता है कि ये हेल्प नहीं हो रहा है चंद्रिका स्टार्टेड टू तो रन अगेन एज फास्ट एज हर फीट कुड टेक हर और चंद्रिका बहुत फास्ट भागने लगी जितना वो तेज भाग सकती थी उस कुत्ते से बचने के लिए शी हॉल्टेड एज शी वॉज टायर्ड एंड गैश फॉर ब्रीथ और वो हॉल्टेड का मतलब रुकना वो हॉल्ट की वो रुकी थोड़ा सा और रुक करके बहुत मुश्किल से थोड़ा सा सांस ली गज विथ ब्रीथ मतलब मुश्किल से वो सांस ली पेंटिंग हार्ड शी लुक्ड पेंटिंग हार्ड शी लुक्ड फॉर फूड अराउंड एंड नोटिस्ड अ फ्रूट स्टॉल नियर बाई और बहुत ही मतलब उसका सांस तेज हो गया था और उस दौरान उसको वो क्या कि थोड़ा सा फूड ढूंढ रही थी खाना ढूंढ रही थी अपने चारों तरफ और नोटिस की कि वहाँ पे सामने में एक फ्रूट का स्टॉल लगा हुआ फ्रूट का दुकान लगा हुआ शी ग्रैप्ड द कपल ऑफ ग्रेप्स उसने कुछ ग्रेप्स को उठाया और उसको खाना शुरू किया एंड एट देम एज़ फास्ट एज पॉसिबल और जितना जल्दी हो सका उसको वो खा ली एंड लुक फॉर मोर थिंग्स टू इट और वो और भी बहुत सारी चीज़ें ढूंढने लगी खाने के लिए जस्ट देन शी नोटिस डाव बिहाइंड हर स्टेयरिंग एट हर फेस और उसके तुरंत बाद ही उसने देखा कि एक काओ एक गाय जो है उसके पीछे और उसको उसके फेस को वो देख रही है वो काओ ठीक है शी स्टार्टेड टू रन अगेन एंड वॉज कॉन्स्टेंटली फेस्ड विद द थ्रीट्स ऑफ बींग इटन बाई इधर काउ डॉग्स और मंकीज और वो फिर से दौड़ने लगी चंद्रिका फिर से भागने लगी दौड़ने लगी कॉन्स्टेंटली ठीक है क्योंकि उसको डर लग रहा था उसको डर हो गया था कि या तो कोई काओ या डॉग या तो मंकी उसको खा लेगा क्योंकि वो पिज़्ज़ा फेस हो गई है और पिज्ज़ा देख करके सारे जानवर को लाला चाह रहा उसके पीछे पड़ गए सारे जानवर ऐसा उसको डर होने लगा और वो फिर से भागने लगी जब उसको एक काव देखने लगा एस चंद्रिका फाउंड हर वे टू प्ले ग्राउंड फिल्ड विथ किड्स शी थॉट इट वॉज हर सेफेस्ट हॉल्ट जैसे ही चंद्रिका एक प्ले ग्राउंड में पहुँचती है एक ग्राउंड में पहुँचती है जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं उसको लगता है कि ये बहुत सेफ प्लेस है ये बहुत सुरक्षित प्लेस है यहाँ मुझे कोई ख़तरा नहीं है जस्ट देन शीशो और चिल्ड्रन रनिंग टूअर्ड्स हर और तभी उसने वो देखती है चंद्रिका कि सारे बच्चे उसके तरफ दौड़ करके आ रहे हैं विथ ग्लीमिंग फेसेज एंड शाउटिंग और वो उन मतलब उन वो जो बच्चे भाग करके आ रहे हैं उनका चेहरा चमक रहा है वो लोग चिल्लाते हुए चंद्रिका की तरफ आ रहे हैं चंद्रिका थॉट शी वॉज कॉर्नर्ड एंड देयर वॉज नो वे टू एस्केप और चंद्रिका को लगा कि वो तो वहाँ फंस गई है और वहाँ से वो भागने का कोई रास्ता ही नहीं है विथ चिल्ड्रेन अ काओ एंड अ डॉग बिहाइंड हर चिल्ड्रेन के साथ साथ वो जो बच्चे बच्चे उसके तरफ़ भाग रहे हैं उसके साथ साथ एक काओ एक डॉग भी उसके पीछे है शी वॉज श्योर टू बी टन अप और उसको श्योर हो गया चंद्रिका को वो हार मान गई कि अब तो पक्का मुझे कोई पकड़ लेगा और ये लोग मुझे खा जाएंगे शी कवर्ड हर पीज़ा फेस विथ बोथ ऑफ अर हैंड्स एंड शाउटेड वो अपना दोनों हाथ से चंद्रिका अपना फेस को कवर करती है और चिल्लाती है माँ चंद्रिका फेल्ट अ हैंड ऑन हर शोल्डर पुलिंग हर चंद्र तभी चंद्रिका को ऐसा फील होता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है और उसको वो खींच रही है इट ग्रैब्ड हर एंड लिफ्टेड हर अप और वो हाथ जो है उसको ग्रैब कर ली पकड़ ली और ऊपर उठाया एंड शी फेल्ट विंड ऑन हर फेस और उसको चेहरे पे उसको हवा फील आया ऐसा लगा कि चेहरे पे हवा लग रहा है वाइल शी मूव्ड अप इन एयर द वॉइस सेड नो वन मैसेज विथ माई डॉटर और जैसे ही वो हवा में ऊपर उठी वैसे ही एक आवाज़ आया कि मेरी बेटी के साथ कोई नहीं उलझेगा चंद्रिका फेल चिली एंड अटेम्प्टेड टू ग्रैब हर ब्लैंकेट दैट हैड ऑलमोस्ट फॉलन ऑफ हर बेड चंद्रिका को थोड़ा ठंडा लगने लगा और वो अटेम्प्ट की उस ग्रैब करने का क्या ग्रैब करने का अपने ब्लैंकेट को जो ऑलमोस्ट गिर ही गया था उसके बेड से चंद्रिका ब्लैंकेट लेकर के सोती है उसका ब्लैंकेट गिर गया था तो ठंडा लग रहा था चंद्रिका को और तब चंद्रिका कोशिश की कि उसके ब्लैंकेट उसके ऊपर वो लेने का शी वो कप फीलिंग हर फेस एंड रबिंग हर आइज़ वो उठती है अपने फेस को फील करते हुए और अपने आँखों को रब करते हुए आई डोंट हैव अ पिज़्ज़ा फेस शी स्क्रिम्ड और फिर से वो ज़ोर से बोलती है चिल्लाती है कि अरे मुझे तो पिज़्ज़ा फेस नहीं है यार शी रैन टू हर मदर हु वॉज़ बिजी कुकिंग एंड अनाउंस्ड हैप्पीली आई एम नॉट अ पिज़्ज़ा फेस्ड माँ और वो दौड़ करके मम्मी के पास जाती है और मम्मी उस टाइम में क्या कर रही होती है वो कुकिंग में बिज़ी होती है किचन में और वो ज़ोर से मम्मी के पास जाती है और वहाँ पे अनाउंस करती है खुशी खुशी कि मैं पिज़्ज़ा फेस नहीं हूँ मेरा चेहरा पिज़्ज़ा वाला नहीं है मम्मी हर मदर लुक एट हर कन्फ्यूज फॉर अ मोमेंट उसकी मम्मी सोच रही है अरे ये क्या हुआ इसको ये ऐसा क्यों बोल रही है सुबह उठ करके देन सी सेड आई एम श्योर दिस हैज़ समथिंग टू डू विथ योर ड्रीम आई एम श्योर दिस हैज़ समथिंग टू डू विथ योर ड्रीम चंद्रिका हगड हर मदर एंड सेड आई वॉन्ट वेजिज एंड फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर तो आ, उसकी मदर जो है उसकी मदर कन्फ्यूज़ रहती है उसको देख करके और वो कहती है कि ये तो पक्का है कि तुम्हारा ड्रीम से कुछ तो कनेक्शन है तुम्हारे ड्रीम के साथ तो कुछ तो करना होगा और चंद्रिका क्या करती है अपनी मम्मी को गले लगा लेती है हक कर लेती है और बोलती है कि मुझे वेजिटेबल और फ्रूट चाहिए ब्रेकफास्ट में भी लंच में भी और डिनर में भी तीनों टाइम डिलाइटेड हर मदर ऑफर टू रीमेक हर ब्रेकफास्ट एंड लंच एज सी वाज हाफवे डन पैकिंग चंद्रिकाज़ पिज़्ज़ा फॉर लंच एंड गेटिंग हर ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल अब क्या हुआ मदर सुन करके तो बहुत खुश हो जाती है डिलइटेड का मतलब खुश हो जाना डिलइटेड उसकी मदर जो है वो बहुत खुश हो जाती है मदर ऑफर्ड ऑफर्ड टू रीमेक हर ब्रेकफास्ट एंड लंच और मदर जो है वो फिर से उसका ब्रेकफास्ट और लंच बनाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो अभी तक हाफ वे डन थी मतलब आधा चंद्रिका का जो पिज़्ज़ा था बर्थडे के लिए लंच के टाइम के लिए वो आधा बन चुका था ठीक है तो अब उसकी मम्मी जो है वो दूसरा ब्रेकफास्ट बनाने को तैयार हो गई क्योंकि उसकी बेटी ऐसा बोली कि मुझे तीनों टाइम वेजिटेबल और फ्रूट चाहिए तो मदर भी खुश हो गई चंद्रिका चेयरफुली अप एंड सेट ऑन हर चेयर चंद्रिका जो है खुशी खुशी चेयरफुली मतलब खुशी खुशी ड्रेसअप होती है ड्रेस ये, ड्रेस पहनती है और चेयर पर बैठती है ईटिंग फ्रूट एंड फॉर ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाती है एस सी एट हर ब्रेकफास्ट एंड आस्ड फॉर मोर हर मदर जोवियली रिमार्क्ड और जैसे ही ब्रेकफास्ट खाने के दौरान वो बोलती है कि मम्मी मुझे और चाहिए फ्रूट तो मदर जो है वो खुश हो जाती है मदर का चेहरा जो है खुश हो जाता है जोवियली का मतलब खुश चेहरा जो है वो खुशहाल हो जाना इन अ हैप्पी एंड अ फ्रेंडली वे चेहरा खुशहाल हो गया उसकी मदर का और वो कहती है डोंट ईट सो मच दैट यू टर्न इन टू अ वेजी और अ फ्रूट अरे चंद्रिका इतना ज़्यादा भी फ्रूट मत खा लो फ्रूट और ये वेजिटेबल मत खा लो कि तुम्हारा चेहरा जो है या फिर तुम जो हो वो एक वेजिटेबल और फ्रूट में टर्न ना हो जाओ डोंट इट सो मच दैट यू टर्न इंटू अ वेजी और फ्रूट कहीं तुम वेजिटेबल और फ्रूट में बदल ना जाओ इतना मत खाओ यार दे बोथ लावड एज दे इमेजिन चंद्रिका एज अ ब्रिंजल अ टोमेटो एंड एन एप्पल और वो लोग दोनों बहुत ही हंसने लगे जोर जोर से इमे चंद्रिका को इमेजिन करते हुए एक ब्रिंजल एक टोमेटो और एक एप्पल के तौर पर ये चंद्रिका ब्रिंजल बन गई है टोमेटो बन गई है और एप्पल बन गई है तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसका क्वेश्चन आंसर का लिंक भी मुझे आपको ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों को शेयर कीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अभी हम लोग एम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हुज बर्थडे वॉज अराउंड द कॉर्नर चंद्रिकाज बर्थडे वॉज अराउंड द कॉर्नर चंद्रिका प्रीफर्ड क्या प्रीफर करती है चंद्रिका पिज़्ज़ा ओवर एनी अदर डिश चंद्रिका वो कप टू द स्मेल ऑफ चीज़ पिज़्ज़ा चंद्रिका थॉट अ प्ले ग्राउंड वॉज द सेफेस्ट हॉल्ट तो ये चैप्टर कंप्लीटली यहाँ पे खत्म होता है क्वेश्चन आंसर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिला होगा ज़रूर देखिए क्वेश्चन आंसर को और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे